हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो सोप का फार्मूला होता है, ठीक, उसमें कौन सा पार्ट ऐसा होता है, क्योंकि आप तो जानते ही हो साबुन का यूज कहाँ पे होता है। साबुन का यूज अक्सर कपड़े को साफ करने में होता है ना, ये तो आप जान ही रहे हो ना। डिटर्जेंट का भी यूज कपड़े को साफ करने में होता है, क्लीनिंग एक्शन में। तो आखिर साबुन में ऐसा क्या होता है जो कपड़े को साफ कर देता है, कभी सोचे हो? चलो आते हैं इस पे, सोचते हैं। ये ना बताना पड़े आपको, मैंने लेक्चर नंबर 27 में बता दिया, पहले आप उसको देखो, पहले आप उसको देखो तब जाके ये लेक्चर देखना, नहीं समझ में नहीं आए। उसमें मैंने बताया है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हमारे कपड़े में, हमारे हर चीज में, सब्सटेंस में, जैसे पेन हो गया, कोई भी चीज हो गया, यहाँ जितने भी गैसेस हैं, पॉल्यूशन, फैक्ट्री से स्मोक, धुएं निकलते, उसमें भी कार्बन होता है। तो जैसे फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें जो कार्बन होता है, और हमारे कपड़े में भी कार्बन होता है, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है वहां का कार्बन यहाँ के कार्बन से जुड़ना चाहता है। ये मैंने लेक्चर नंबर 27 में बताया, चेक करके देख लो वहां कैसे बताया। मतलब अगर जो ना समझता वो डायरेक्ट इतना जाने, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बहुत जल्दी जुड़ता है, जिसको कैटानेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? सोप का फार्मूला डियर स्टूडेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 26 चेक करो, 25 उसमें मैंने पढ़ाया है। सोप का फार्मूला C17H35COONa, ये सोप का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट। अब मैंने वहां बताया था कि सोप जो होता है साल्ट में माना जाता है, याद रहे, ड्राई होना चाहिए, ड्राई, वाटर नहीं मिलाना। अगर हम आपसे कहते हैं सोप अगर ड्राई स्टेट में है तो क्या माना जाता है, वो साल्ट माना जाता है। अभी कह दोगे पानी मिला देंगे तो पानी मिला देने के बाद वो बेसिक हो जाता है, लेकिन अभी बाद में ठीक। पहले ये देखिए, ड्राई स्टेट में सोप को साल्ट माना जाता है, ठीक। मैंने बताया था आपको याद होना चाहिए ना, अगर यहीं पे एच होता तो सी डबल ओ एच एसिड में आता है, लेकिन यहां पे मेटल अगर आ गया लाइक एस पोटेशियम, लाइक एस सोडियम, तो ये साल्ट में आ गया। समझ में आया कि नहीं? ये ज्यादा अच्छे सोप माने जाते हैं जिसमें पोटेशियम होता है, बेस्ट सोप, और ये उतने अच्छे नहीं है, है फिर भी, ठीक। समझ में आया डियर स्टूडेंट? अब थोड़ा आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें ये सोप में याद कर लो, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें क्या है, कार्बन, और ये वाला पार्ट जो होता है जब आप सोप को पानी में मिलाते हो तो ये वाला जो पार्ट होता है कार्बन। आपको मैंने क्या बताया कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, वो दूसरे कार्बन से जुड़ना चाहता है। अब आपको अगर दूसरा कार्बन कहां मिलेगा, तो भाई दूसरा कार्बन आपके कपड़े में जो गंदगी होती है, डस्ट, उसमें होता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो जाके दूसरे से दोस्ती कर लेगा। अब मान लो ये आपका कपड़ा है, ये आपका कपड़ा है, पानी में आपने डाल दिया और ऊपर से आपने सोप को डाल दिया, तो सोप में ये वाला जो कार्बन होगा, ये कपड़े के अंदर जो मिट्टी होंगे, डस्ट, उनसे जाके जुड़ना चाहेगा। इसीलिए इस पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये पार्ट जो होता है आयन लविंग का मतलब होता है जाके मिट्टी या तेल में मिल जाएगा अच्छे से, और ये वाला जो पार्ट होता है डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये डियर स्टूडेंट तेल में जाके मिट्टी में नहीं मिलेगा, वाटर में मिलेगा, वाटर सॉल्यूबल, इसको कहते हैं वाटर सॉल्यूबल। समझ में आया कि नहीं? अब मैं इसके बाद वाले लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आखिर कैसे ये जाके
वाटर में मिल जा, ये जाके आयरन में मिलता है और ये जाके वाटर में मिलता है। पूरा बना के बढ़िया से मैं समझाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए इतना रट लो, ये वाला पार्ट आयरन में जाके मिलेगा और ये वाला पार्ट वाटर में, इसको हाइड्रोफिलिक, इसको हाइड्रोफोबिक। ये क्यों जाके आयरन में मिलता है? क्योंकि आयरन कार्बन से बना होता है, ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन में अट्रैक्शन होता है, तो यही पार्ट जाके उससे मिलेगा। इसमें ज्यादा कार्बन तो ज्यादा अच्छे से मिलेगा। और फिर आपका कपड़ा कैसे साफ हो जाता है ये भी मैं बताऊंगा लेक्चर नंबर 29 में। तैयार रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।